मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। इंदौर में 1291, भोपाल में 1008 नए केस। मंत्री कमल पटेल, विश्वास सारंग, तुलसीराम सिलावट भी हुए कोरोना संक्रमित। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरी, 8 लोगों की मौत और 45 से ज्यादा घायल। जलपाईगुड़ी के पास हुए इस हादसे में रेलवे ने दिए जांच के आदेश। वहीं पंजाब में चुनाव से पहले मिला 2.5 किलो RDX, पाकिस्तान में बैठे आतंकी लखवीर रोड़े ने किया सप्लाई। ISYF के गुर्गे से हुई बरामदगी। और उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं से गिर रहा मध्य प्रदेश का तापमान, कई शहरों में रात का पारा 20 डिग्री से कम, 8 शहरों में रहा कोल्ड डे। बारह साल पुराने ओबेदुल्लागंज दंगा मामले में आया रायसेन कोर्ट का फैसला, 14 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दूसरे पक्ष के 6 लोग हुए बरी। नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं खबर भारत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने मकर संक्रांति के अवसर पर बाघम्बरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति के दिन माँ नर्मदा जी में स्नान करने जाते थे और वहीं पूजन पाठ करके सबके कल्याण की कामना करते थे। अभी चूंकि संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ ही आके मंदिर में पूजा करके यही प्रार्थना की है कि जनता प्रसन्न रहे, कोविड से लोग सुरक्षित रहें, उसका मुकाबला करके उसको हरा पाएं, प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। और फिर एक बार सभी भाई और बहनों को शुभकामनाएं इस अपील के साथ कि त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मास्क लगाए रखें, भीड़ ना करें, दूरी बनाए रखें और टीका जिनने नहीं लगवाया वो जरूर लगवा लें, क्योंकि कृपा भगवान की चाहिए लेकिन कर्म तो हमको भी करना पड़ता है। और भोपाल में कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शिक्षा केंद्र के संचालक PR तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पांडे ने कहा है कि केंद्र की परीक्षा और मूल्यांकन के परिणाम बनाने में लाखों रुपए की हेरफेर हुई है, लिहाजा तिवारी को पद से हटाने की मांग की गई है। वहीं चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच नहीं की गई तो मंच स्कूल शिक्षा मंत्री के निवास पर धरना प्रदर्शन करेगा। राजेश बाथम जी परियोजना अधिकारी है जो राज्य शिक्षा केंद्र में है, उनके द्वारा एक वहां के संविदा कर्मी की को प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से वो उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। वो पूरी मुख्यमंत्री से लेके मंत्री अब उसको जो प्रताड़ित कर रहे हैं, अपनी प्रताड़ना की शिकायत मुख्यमंत्री, मंत्री, स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव, DPI सभी जगह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर चुकी है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और राजेश बाथम निरंतर उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके खिलाफ झूठे शिकायतें कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी भी जांच की जाए और उस महिला को न्याय दिलाया जाए। 2010 रायसेन के ओबेदुल्लागंज दंगे के मामले पे फैसला आया है। दरअसल रायसेन में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शरद भास्कर की कोर्ट ने सन 2010 में ओबेदुल्लागंज में हुए दंगे के मामले में दोषी करार देते हुए 17 में से 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 2 लोगों को बाल न्यायालय में पेश किया गया है और आपको बता दें कि इनमें से 1 व्यक्ति की पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरे पक्ष के 6 लोगों को बरी कर दिया गया है।
इस मामले पे आपको बता दें हम कि सरकारी वकील लखन ठाकुर ने सजा दिलाने के लिए पैरवी की, वहीं बरी हुए लोगों की पैरवी अधिवक्ता विजय धाकड़ कर रहे थे। ये थाना ओबेदुल्लागंज का सन 2011 में एक दंगा हुआ था, जिसमें आरोपीगण ने रूपेश राजपूत को की हत्या की थी और भी दो तीन लोगों को चोटें आई थी। मामला 302-149 में साहब ने दोषी पाया न्यायालय ने, और सभी साक्षियों गवाही को सत्य मानते हुए 14 आरोपीगण को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। किस मजिस्ट्रेट ने यह सजा सुनाई? श्री शरद भामकर एडीजी फर्स्ट। कितने लोग इसमें आरोपी बने थे? इसमें 17 लोग आरोपी थे, 2 बाल न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ग्वालियर में भी कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण कलेक्टर ने नगर निगम की टीमों को आदेश दिया है और साथ ही रोको टोको अभियान की शुरुआत की है, जिसमें नगर निगम की टीमें मौजूद रहीं। साथ ही आपको बता दें कि तहसीलदार ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन बिना मास्क पहने हुए लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रहा है और जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। ये क्या है, जो लोग बिना मास्क के जा रहे हैं उन लोगों पे चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और उनको हम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, समझा? मतलब रोको टोको अभियान और मास्क वितरण, और जो नहीं मान रहे हैं उन पे चालानी कार्रवाई। चालानी कार्रवाई वो रेड क्रॉस की रसीद है। आज बिना मास्क की चेकिंग की जा रही है, जो कि डेली की जाती है 12 से 1। जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनका चालान काटा जा रहा है और एक संदेश दिया जा रहा है कि आप मास्क लगाएं, कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। अगर हम सब लोगों को सुरक्षित रहना है तो मास्क लगाना जरूरी है। वहीं शाजापुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए तीसरे लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां तेज हो गई हैं। इन विभाग की जानकारियों का जायजा लेने के लिए क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सोलंकी ने भीमराव अंबेडकर जिला चिकित्सालय का दौरा किया। सांसद सोलंकी ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अस्पताल में पाई गई कमियों को जल्द ही दुरुस्त करने के निर्देश दिए, साथ ही जिला चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि किसी भी तरह के संसाधनों की कमी ना हो। इसके साथ ही कोरोना मरीज के लिए बनाए गए विशेष वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट सहित तमाम व्यवस्थाओं के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों से जानकारी ली। कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिला चिकित्सालय शाजापुर निरीक्षण के लिए आया था। यहाँ पर मैंने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, साथ ही कितने बेड की व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों के इलाज के लिए बनाई गई है, अन्य सुविधाओं का भी मैंने निरीक्षण किया है। जिला प्रशासन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मिलकर बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। जहाँ छोटी मोटी कमियाँ मुझे दिखाई दी, मैंने CMHO साहब को, सिविल सर्जन साहब को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वे उन कमियों को जल्द से जल्द दूर कर लें, क्योंकि किसी भी समय हमें आवश्यकता लग सकती है
कि हम लोगों को यहाँ पर एडमिट करें और उनका सुचारू रूप से इलाज करवाना शुरू करें। और छत्तीसगढ़ कोरिया जिले के बरसपुर आंगनवाड़ी भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी है। बच्चे अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मध्याह्न भोजन करने को मजबूर हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि बारिश की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भवन की हालत को लेकर लिखित में शिकायत की गई है, लेकिन विभाग से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। सर, बच्चे तो रहते हैं यहाँ पे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के 25 बच्चे दर्ज हैं और भवन भी जर्जर हो चुका है। मैं कई बार पंचायत में भी दे चुकी हूँ लिख के, और साथ में हो भी गया है डिसमेंटल के लिए, हो भी गया है लेकिन हो नहीं रहा है। यहाँ पानी जब गिरता है ना तो काफी दिक्कत होता है, पूरा रूम भर जाता है पानी में, और जब वहां से नहीं बैठाती हूँ, इधर अतिरिक्त कक्ष है वहां बैठाती हूँ बच्चे को। परेशानी मेरे को भी होता है, बच्चों को भी होता है, और हमको बोला भी गया कि दूसरी जगह बैठाइए, तो 200 रुपए में किराया में कहाँ कोई नहीं देते हैं। किराया कहाँ से देंगे आप? किराया मतलब मिलता है वहाँ से, अगर 200 रुपए में बोल रहे हैं कि खोज के कहीं बैठाओ, तो 200 रुपए में कौन देगा अपना इतना बड़ा रूम? देखिए, ये शासन की बड़ी लापरवाही है, और जब लगातार इस बारे में जानकारी दी जा रही है, मीडिया के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन बड़े आश्चर्य करने वाली बात यह है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, जहाँ पर मासूम लोग आकर के अपना खाना पीना खाते हैं, वहां पर अगर इस तरह का आंगनबाड़ी केंद्र है, भवन जो अगर जर्जर है, कल को अगर कोई घटना हो जाएगी तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? खास करके जो बरबसपुर का आंगनबाड़ी केंद्र की तो हालत काफी जर्जर है, लेकिन वहां पर उसको बनाने की जगह वहां के जो अधिकारी हैं ये बोलते हैं कि सुधरवा लो, 200 रुपए में भला कोई अपना भवन किराए पर देगा, सुधार होगा उसमें? भाजपा द्वारा इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है उच्च अधिकारियों को, और अगर हमारे ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होगी तो हम जो ग्रामीणों के साथ मिलकर के आंदोलन करेंगे। और डबरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 स्थानों पर सैंपलिंग करते हुए खाद्य सामग्री के नमूने लिए हैं। दरअसल खाद्य सुरक्षा टीम को डबरा में सरसों के रिफाइंड तेल की पैकिंग किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर टीम ने झांसी रोड स्थित गोदाम से तेल के सैंपल लेकर सील बंद किए। आपको बताते हैं कि गोदाम में बड़े बड़े टैंकरों में खुला तेल भरा हुआ था, जिसको गोदाम संचालक द्वारा पैक किया जा रहा था, जहां पर कुछ अन्य ब्रांडों के स्टिकर भी मौजूद थे। वहीं टीम ने जौरासी में भी 2 मिष्ठान भंडारों और डबरा में डेयरी से क्रीम का सैंपल लिया है। आज औचक निरीक्षण करते हुए अभी तक अधिकारी के निर्देशानुसार एक तो न्यू वैष्णवी डेयरी पे मिल्क क्रीम के सैंपल लिए गए थे जांच के लिए, और अभी यहाँ प्रमोद एंड ब्रदर्स फर्म पे सरसों तेल के 2 ब्रांड के नमूने लिए गए हैं जांच हेतु। क्या क्या पाया गया इस ब्रांड पर सबसे? नहीं, ब्रांड पर अभी प्रथम दृष्टया ये पैक हो रहा है, यहाँ पे पैकिंग का इन पर लाइसेंस भी है। किस तरह की कार्रवाई की गई? इन पर नमूना संबंधी कार्रवाई की गई है, जाँच के लिए जाएंगे नमूने, जांच उपरांत जिस परिणाम आएगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। सर, ब्रांड रजिस्टर्ड है? ब्रांड इनके ट्रेडमार्क इन्होंने लिया हुआ है, रजिस्टर्ड ले रखा है इन्होंने। गोदाम यहाँ इनका जो वजह से संचालित हो रहा है, ये दुकान या मतलब इनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह? हाँ, यहाँ का लाइसेंस है इनका, इस पते पर इनके प्रमोद एंड ब्रदर्स के नाम से इनका लाइसेंस नंबर जो FSSAI का है वो यहाँ पर पाया गया है। साफ सफाई भी देखी है या सिर्फ? नहीं, साफ सफाई के इनको हमने निर्देश दिए हैं, जो साफ सफाई बेहतरीन तो नहीं पाई गई है, तो इनको आगे भविष्य में और भी निर्देश दिए गए हैं कि साफ सफाई विशेष तौर पर रखा जाए। नमूने फेल होने पर क्या किस तरह की? नमूने का जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इनकी कार्रवाई की जाएगी आगे। किस किस प्रकार के तेल के नमूने लिए गए? यहाँ से सरसों तेल का हुआ है, 2 ब्रांड के अलग अलग। और इसके अलावा दूसरा भी कोई रिफाइंड वगैरह कुछ ऐसा? रिफाइंड इनके हैं, रिफाइंड का वो राइस ब्रांड, वो सोयाबीन तेल सैंपल भी पैक किए जा रहे हैं। और अगली खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 5 में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने नेता प्रमोद परवार का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर
प्रमोद परमार ने फल और मास्क वितरित किए और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया। आज हम वार्ड पांच के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आनंदगढ़ चौराहे पर भैया भाजपा नेता चिंटू परमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहां पे फल वितरण किया, मास्क वितरण किया और हमने भैया जी के जन्म लंबी उम्र के लिए यही फल वितरण किया है और भैया जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, दीर्घायु रहे भैया जी। हमने पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ मनाया गया है, मास्क भी बांटे गए थे और क्या नाम है सैनिटाइजर भी बांटे हैं। अपना पूरा परिचय? मेरा परिचय है कि मैं लाकर राठौर हूँ, वार्ड पांच का निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सबलगढ़ के रामपुर का संगीन मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में लाठी और डंडे से जमकर मारपीट हुई, जिसके चलते एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब राजधानी भोपाल की एक बड़ी खबर आई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अभिनेता रजा मुराद को नगर निगम भोपाल के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर से हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर मंत्री सिंह ने कहा है कि जो भोपाल की संस्कृति से परिचित हो, जिनका साफ सफाई के क्षेत्र में योगदान हो, वही लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा सकते हैं। वहीं आदेश के बाद नगर निगम नए सिरे से ब्रांड एम्बेसडर चुनने का सिलसिला जारी कर रहा है। और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने एमपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति पर तेज कर दी है। इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया, साथ ही पतंगबाजी के साथ तिल गुड़ के लड्डू बांटे गए और भव्य आयोजन के साथ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की शुरुआत की गई। अभियान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी सनातनी पार्टी है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाएं बच्चियों कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगी, संघर्ष करेंगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरह से महिलाओं पर बच्चियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिला कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस द्वारा हनुमान चालीसा, पतंग उड़ाई जाएगी, पाठ किया जाएगा, तिल गुड़ बांटा जाएगा और भव्य आयोजन के साथ
इस लड़की हूँ लड़ सकती अभियान की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी सनातनी पार्टी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाएं और बच्चियां कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगी, संघर्ष करेंगी। पिछले शनिवार को मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में हुई भीषण ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को जमकर नुकसान हुआ था, जिसका जायजा लेने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बजावन गांव में पहुंचकर किसानों की बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही क्षेत्र के पीड़ित किसानों से जनसंवाद किया। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर कलेक्टर उमा महेश्वरी के नेतृत्व में प्रशासन की तैयारियां तेज थीं। साथ ही SP से लेकर तमाम आला अधिकारी बजावन गांव में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान के बाद अब पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने एक विशाल मशाल जुलूस निकाला। प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में यह मशाल जुलूस तुलसी पार्क से गांधी पार्क तक निकाला गया। वहीं जुलूस के समापन पर चंदेरी के कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री मेरी विधानसभा में ना आकर मुंगावली आ रहे हैं। यह मशाल जुलूस NSUI द्वारा किसानों के सम्मान में निकाला गया और जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है अशोकनगर में, ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ किसानों का उसका मुआवजा दिलाया गया, इसके विरोध में हमारा यह मशाल जुलूस निकाला गया है। और मैं यहाँ से CM से मांग करता हूँ कि यहाँ से जल्द ओलावृष्टि जो किसानों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा दें। साथ ही आपके माध्यम से मैं सिंधिया जी को भी यह चेताना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार में तो वह कहते थे कि मैं सड़क पर उतर कर किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा और किसानों की बात करूंगा, लेकिन इतनी ओलावृष्टि हुई, उनका लोकसभा क्षेत्र भी है, लेकिन आज तक वह किसी किसान के खेत में नहीं दिखे, तो क्या महल के अंदर से वो किसानों की लड़ाई लड़े? पिछली बार भी यहाँ पर अतिवृष्टि हुई थी, तब भी मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया पूरा। आपको उम्मीद है कि इस बार मुआवजा मिल पाएगा किसानों? इस बार उनकी लड़ाई पूरी ताकत से, किसानों की लड़ाई NSUI और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और पिछली बार भी लड़ती थी लेकिन BJP सरकार द्वारा बराबर किसानों और कांग्रेस पार्टी जिसका मुद्दा उठाती है उसके साथ सौतालय व्यवहार किया जाता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे विधायक और सांसद जो भी हैं और सभी NSUI के साथ ही इसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे। मझगवां तहसीलदार ने धांधलेबाज व्यापारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल UP बॉर्डर से MP के खरीदी केंद्र में धान खपाने आए व्यापारियों पर मझगवां तहसीलदार नितिन कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के बेलहरी गांव से मझगवां धान खरीदी केंद्र में बिक्री के लिए 2 ट्रैक्टर धान पहुंची थी, जिसे तहसीलदार ने पकड़ा है। दोनों ट्रैक्टरों में करीब 80 क्विंटल धान लोड था। मौके में दस्तावेज न दिखाने पर यह कार्रवाई की गई। दोनों ट्रैक्टर सुरक्षार्थ मझगवां थाने में खड़े करवाए गए हैं। जिसको न निज गौरव निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं निरापशु और मृतक समान है। कोरोना पर अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, जहां भी जाएं मास्क लगा कर जाएं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर भारत।